पर कोरोना वायरस के अलावा वायु प्रदूषण की गहरी मार पड़ रही है। साल 2020 की पहली छमाही के दौरान वायु प्रदूषण के कारण लोगों की मौत के साथ दिल्ली की जीडीपी को भी गहरा नुकसान हुआ है। यह वायु प्रदूषण तकरीबन 24,000 मौतों और 5.8% जीडीपी के नुकसान से सीधे तौर पर जुड़ा है। यह बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली को 26,230 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि यह नुकसान दिल्ली के सालाना जीडीपी का 5.8% हिस्सा है। दुनिया के 28 बड़े शहरों की तुलना में देखें तो दिल्ली को नुकसान सबसे ज्यादा है। जीडीपी के लिहाज से सभी शहरों से ज्यादा दिल्ली को घाटा झेलना पड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मिले 15 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य की जगह दोगुना यानी कि 31 लाख पौधारोपण करने का फैसला किया है, ताकि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।